आ गया आप लोगों के लिए साथ साथ नया स्ट्राइकर, साथ साथ नया पक्ष, है कि नहीं? ऐसे ही नहीं बनता कोई दुनिया का नंबर वन ऑनलाइन कैरम गेम। बात ही कुछ अलग है भाई, कैरम पूल के मिनी क्लिप का बात ही कुछ अलग है भाई। लास्ट का तीन चार स्ट्राइकर तो भाई साइज में छोटा लग रहा है। क्या ये स्ट्राइकर्स हम लोगों का जो जनरल कैरमपुर के जितने भी स्ट्राइकर्स है उसका साइज से क्या ये स्ट्राइकर्स छोटा होने वाला है? अगर छोटा साइज का होता है स्ट्राइकर तब तो मेरा ख्याल से थोड़ा सा चीज़ें डिफरेंट होगा, खेलने का जो हमारा एक्सपीरियंस होगा वो भी डिफरेंट होगा, तो अच्छा ही होगा। तो जो फ्लैशबैक आएगा उस इवेंट्स में भी आपको ये सब स्ट्राइकर्स मिलेगा। जो सिनेमा पार्टी आएगा जिसपे इस पे भी आप लोगों को स्ट्राइकर्स मिलने वाला है। पक्स का भी बात करें वो भी गजब है, फुल्ली डेडिकेटेड टू सिनेमा। और मैं खुद जो इसी फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ छोटे मोटे पोजीशन में, हमको भी ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा लगा कैरम पूल का। हमारा दिमाग चाहे कितना भी ख़राब हो कैरम पूल का ऊपर, लेकिन कैरम पूल अल्टीमेटली कुछ ऐसा करता ही है कि हमको भी बोलना पड़ता है कि भाई हमको भी तारीफ करना ही पड़ता है मिनी क्लिप का। जैसे आरआर का नथु नथु गाना को बेस्ट ओरिजिनल कंपोजिशन का तौर पे ऑस्कर मिला है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का तौर पे द एलिफेंट व्हिस्पर्स डायरेक्टेड बाय कृतिकी गोंसाल्विस उसको ऑस्कर मिला है। ये जो हिंदुस्तान के लिए, ये भाई इंडिया के लिए बहुत गौरव का विषय है, क्योंकि भाई क्योंकि इंडिया बॉलीवुड वर्ल्ड दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म इंडस्ट्री है इन टर्म्स ऑफ साइज। फिर भी आज तक बॉलीवुड से, क्या बोलो, इंडिया से एक भी एक्टर को ऑस्कर नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला है ना। और एक ही डायरेक्टर को एज ए डायरेक्टर ऑस्कर मिला, वो है हमारा सत्यजीत राय, वो भी कितना साल पहले, है कि नहीं? अभी भी इंडिया से बहुत ही कम लोगों को ऑस्कर मिला है। तो ये जो 2023 में दो दो ऑस्कर इंडिया को मिला है, इट इज़ अ थिंग टू बी सेलिब्रेटेड, ठीक है? तो जिस चलते मेरा ख्याल से मिनी क्लिप का ये कदम है, मिनी क्लिप का ये ट्रिब्यूट है कि इतने सारे स्ट्राइकर्स और पक्स बिल्कुल सिनेमा का नाम किया है।